उपस्थित महानुभावों को कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अति शीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में अगले एक माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है और इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। 12 मिलियन की कपैसिटी मतलब 1,20,00,000 यात्रियों की कपैसिटी के आधार पर कानपुर में नया सिविल टर्मिनल हमने अभी शुरू किया था पिछले वर्ष, और उसी के साथ मीरठ, मीरपुर और सरसावा में भी हवाई अड्डे आने वाले दिनों में हम लोग संचालित करने जाएंगे। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 6 हवाई अड्डे थे, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके दृढ़ संकल्पता, योगी आदित्यनाथ जी के साथ और उनकी विकसित सोच और विचारधारा के आधार पर 6 से 19 हवाई अड्डे एक ही प्रदेश में स्थापित होने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उपस्थित महानुभावों को कि योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अति शीघ्र उत्तर प्रदेश के लिए 5 नए हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद 5 एक साथ हम आने वाले दिनों में अगले एक माह के अंदर ही हम लोग उसका लोकार्पण करेंगे। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विमानतल बनने जा रहा है और इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। 12 मिलियन की कपैसिटी मतलब 1,20,00,000 यात्रियों की कपैसिटी के आधार पर कानपुर में नया सिविल टर्मिनल हमने अभी शुरू किया था पिछले वर्ष, और उसी के साथ मीरठ, मीरपुर और सरसावा में भी हवाई अड्डे आने वाले दिनों में हम लोग संचालित करने जाएंगे। मतलब जिस उत्तर प्रदेश में 2014 में केवल 6 हवाई अड्डे थे, आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके दृढ़ संकल्पता, योगी आदित्यनाथ जी के साथ और उनकी विकसित सोच और विचारधारा के आधार पर 6 से 19 हवाई अड्डे एक ही प्रदेश में स्थापित होने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।